के वरिष्ठ नेता रामलन पाल की बेटी की शादी में पहुंचे हैं पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष राकेश पाल एवं पाल समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजा भैया पाल। इस मौके पर समूचे बंदेलखंड से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ दिग्गज नेता भाजपा नेता रामलन पाल की बेटी की शादी में शामिल हुए। इस मौके पर मऊरानीपुर से विधायक प्रतिनिधि पप्पू सेठ एवं भाजपा नेता राजेश पाल सहित भाजपा नेता शामिल हुए। इस मौके पर बबीना विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजीव सिंह पारिछा भी भाजपा नेता रामलन पाल की बेटी की शादी में शामिल हुए। ये तस्वीर आपको झांसी की दिखा रहे हैं जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रामलन पाल की बेटी की शादी में पहुंचे हैं बबीना विधायक राजीव सिंह पारिछा। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष राकेश पाल एवं भाजपा नेता राजेश पाल सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर करौटा विधानसभा क्षेत्र के दो बार के विधायक जवाहर सिंह राजपूत के बेटे राहुल राजपूत भी इस मौके पर शामिल हुए जहां पर भाजपा नेता राममिलन पाल ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर समाज सेविका प्रभा पाल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर आपकी जनता दल के चैनल है राजा भैया पाल ने हमारे साथ करौटा विधानसभा से करौटा के बेटे दो बार के विधायक जवाहर सिंह राजपूत के बेटे राममिलन झांसी में हूँ जहाँ हमारे साथ करौटा विधानसभा से दो बार के विधायक जवाहर सिंह राजपूत के बेटे राहुल राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश पाल जी सपा छोड़ के भाजपा में गए हैं तो किस तरीके से करौटा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हुए हैं? बड़े भाई साहब के आने से करौटा विधानसभा नहीं पूरे झांसी जिले बल्कि झांसी जिले क्या पूरे बुंदेलखंड की 1900 सीटों पर प्रभाव पड़ा है। राकेश पाल जी बहुत बड़े नेता हैं, अभी के नहीं बहुत पुराने नेता हैं। उन्होंने क्या कहते हैं हर विचारधारा वाली पार्टी के साथ राजनीति करके देखी है। अंत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आए हैं क्योंकि उन्हें पता है ये पार्टी संस्कारों की है, सिद्धांतों की है। ये पार्टी वो है जो हर समाज को हर व्यक्ति को बराबरी का हक देने के लिए लड़ाई लड़ती है। और पार्टियाँ हैं जिसमें क्या कहते हैं व्यक्तिगत लाभ के लिए होती है। और उनके आने से क्या योगदान हुआ है आप ये पूछो तो भाजपा की लड़ाई आधी हो गई थी, उनके आने से ये योगदान हुआ है। अकेले क्या कहते हैं करौटा विधानसभा की नहीं हर विधानसभा में राकेश भाई साहब के आने से आप ये समझ लो मेरी मेहनत आधी हो गई थी। मैं गाँव में जाता था जहाँ पर पाल समाज ज़्यादा था तो वो कहते तुम तो जाओ अब घरे जाओ तुम्हारा काम होगा। कहें उनने कहा कि भाई साहब आ गए अब तो मैं परेशान ना हो तुम और कहते हूँ देखो। तो अब इससे ज़्यादा क्या कहें जब ही उन्हीं के आने की ये देन है कि ये 16,000 की जो पिछली बार 17 में जीत हुई थी वो इस बार आके 34,000 पे लगभग दूनी जीत हुई है। तो उनके बहुत बहुत आभारी है और उनका क्या कहते आज उन्हें स्थान मिलता है एक जगह मिलती है जिसपे खुद भी अच्छा महसूस होता है कि जहाँ पर सबको लगता है कि हाँ कोई आया है। तो आखिरी सवाल करना चाहेंगे करौटा विधानसभा क्षेत्र की विकास की बात करें तो विकास की तरफ से किस तरीके से कौन कौन सी योजना लाने वाले हैं? जी अच्छा सबसे पहली पिछली 5 सालों में जो काम हुआ है उसके आधार पर आपको फिर से मौका मिला है। अच्छा पहली बात तो ये कि जो भी पिछले काम कुछ काम जो पेंडिंग में रह गए थे वो पूरे हो रहे हैं। अभी जैसे पिछली बार थोड़ी सी आधी आपकी कई सड़कें छूट गई थी जैसे आप ये कह लीजिए मोट से समथर की सड़क जो समझ लो आप 30-40 साल में आज तक नहीं बनी है आज बन गई आपकी रेडी है। तो पहले तो पूरी सड़कें चमाचम एक नंबर की जा रही हैं। एक आपकी क्या कहते हैं सबसे बड़ी परियोजना लाई जा रही है हर घर नल परियोजना। इसमें थोड़ा समय ज़रूर ज़्यादा लगेगा लेकिन हर घर में आप लोग को खुद जानकारी होगी पाइपलाइनें बिछने लगी हैं गांव-गांव टंकी बनने लगी है जिसमें शुद्ध आरओ का पानी आ रहा है।
आरओ के पानी की व्यवस्था होनी है। अच्छा, इससे पहले क्या होता था कि जैसे अपन हैंडपम्प लगा दिया, कोई कहता था भैया क्या कहते वो पानी फिर चला गया गर्मियों में, या खारा पानी नहीं है, पीने की नहीं है दूसरा। तो इन सब सुविधा इस समस्याओं से निपटने के लिए एक तो ये हर घर नल योजना की जो हो रही अपने यहाँ मुख्य समस्या पीने के पानी की है। दूसरे नंबर की चीज़ आती है सिंचाई के पानी के लिए। सिंचाई के पानी के लिए जैसे अभी आपकी पिछली बार जो नहर बनाई गई थी सतसेड़ा से, जिससे 60-70 गांवों को पानी पहुंचना था, वो आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। उसमें एक आध महीना में समझ लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना कह लो, वो आपकी सुचारू रूप से चलने लगेगी। अगली क्या कहते हैं, इनके अलावा जो क्षेत्र रह गए हैं जहाँ पर अगर सिंचाई अभी भी थोड़ी सी कमज़ोर है, वहाँ पर आपके लिफ्ट कैनाल की बात चल रही है। अभी आपका ससुर के नाले का पुल पूरा काम चालू हो चुका है, तो आपके गोरपुरा का क्या कहते बड़ा वाला वो आपका रिप्टा कहते हैं उसको, या पुल उसे पास होना है। कोटरा हैगा उसका आपका क्या कहते पुल पास हो चुका है, उस पर काम चालू हो चुका है। तो पहले मुख्य जो भी बड़ी बड़ाई जैसे जोड़ने वाली चीज़ें हो गई, पुल हो गई, सड़कें हो गई, पहले बड़ी बड़ी सारी ये निपटाई जा रही हैं। उसके बाद आपके सब हर गांव में पीने के पानी की जो समस्या थी उसकी वो निपटाई जा रही है। उसके अलावा शिक्षा में इस बार कई नए कॉलेज खोले जाएंगे, कुछ नए स्कूल बनवाए जाएंगे। और क्या कहते थोड़ा सा मैं चूंकि अभी लड़का ही हूँ, 30 साल का हूँ लड़का ही हूँ, तो थोड़ा खेल कूद में रुचि रखता हूँ, तो इसमें मैं खुद प्रयास करूँगा, चाहे लड़ना पड़े किसी से, लड़ना पड़े पिताजी से, लड़ना पड़े किसी से, लड़ना पड़े, थोड़ा खेल कूद के लिए अपन व्यवस्था करेंगे। और चूँकि अब राजनीति कहलाती है, इसलिए थोड़ा बहुत अपने कार्यकर्ता जिनकी दम पर सब कुछ होता है, तो आखिरी में क्या कहते हैं कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित रहूंगा, उनके लिए कुछ ना कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ करके दिखाना है। राहुल राजपूत जवाहर सिंह राजपूत के बेटे हैं और राहुल राजपूत युवाओं की धड़कन है। इस समय पूरा यूथ उनके साथ खड़ा हुआ है, विकास की तमाम योजनाओं लेकर के वो आगे बढ़ेंगे और उनकी सोच आप तक पहुँची है। जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज़ के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। अब चैनल है, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए, लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोकर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतरा बीसलपुरा गाँव पंडोकर धाम। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ।